लेकिन ईमानदारी से अपना काम करेगा उसको घर से खींच के सलाखों के पीछे डालेगा। सरकार पे तो भरोसा नहीं है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से फिर क्या काम नहीं लेती हूँ, जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार कर ले। अंग्रेजों की गल में चाटने वालों का खून नहीं है, क्रांतिकारियों का खून है। यदि मामले में कोर्ट ने FIR कर दी है तो फिर धरने का क्या औचित्य है? देखिए, हमारे बेटियों का जो शोषण हुआ है, जो शोषण करता है उसके जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। क्या प्रोसेस आगे जाने का इसको, अगर मान लीजिए नहीं होती गिरफ्तारी, क्या करेंगे आप लोग? क्यों नहीं होगी, पूरा देश जब सड़कों पे आ जाएगा, जनता की ताकत बहुत ज्यादा ताकत होती है और जनता जिस दबाव डालेगी, कानून को अपना काम करना पड़ेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कितना भी बड़ा डॉन हो, बाहुबली हो, और कानून जिस ईमानदारी से अपना काम करेगा उसको घर से खींच के सलाखों के पीछे डालेगा। सरकार पर भरोसा है आपको? सरकार पे तो भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अब ऊपर वाले पे भरोसा है। जहाँ सच की लड़ाई होती है वहाँ ऊपर वाले का साथ होता है, और जिस दिन ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी उसमें आवाज नहीं होती। बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जंतर मंतर पे धरना जारी रहेगा, और पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो आज पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। आगे कहाँ ले जाएंगे धरने को? मेरा सवाल फिर वही है कि अगर धरना ले जाने की जरूरत नहीं है, धरना यहाँ शुरू हुआ है, यहीं पे है, बाकी पूरे देश में धरने शुरू हो गए हैं, जगह जगह से हर रोज आप देखते रहेंगे, वीडियो आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, जगह जगह लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, DC को ज्ञापन दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, देश के कोने कोने से मातृशक्ति यहाँ पहुँच रही है, आंध्र प्रदेश से यहाँ पे आए, छत्तीसगढ़ से आए, केरला से आए, जगह देश का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ से लोग और हमारी महिला शक्ति यहाँ नहीं पहुँची हो, क्योंकि ये अकेली लड़ाई इन बेटियों की नहीं है, ये पूरी मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो 21वीं सदी की नारी दबने वाली नहीं है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा धरना ही नहीं चलेगा। यदि कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है राजनीतिक है, इसके बारे में आपका कुछ तर्क? मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताइए राजनीति कैसे है? राजनीति का मौका किसने दिया? सरकार के पास 2 साल पहले ये लड़कियां गई थी, 2 साल पहले सरकार इनको न्याय दे देती तो बेटियों को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। उसके बाद भी 3 महीने पहले भी बेटियों ने यहाँ पे घर दिया। कई चैनलों ने आप पर भी आरोप लगाए, आप पर भी आरोप लगाए। पहले मेरा इसका सवाल सुन लीजिए, अगर यहाँ पे आने वाले खिलाड़ियों ने अपील की थी पूरे देश से, और पूरे देश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आने वाला कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी संगठन से या किसी NGO से, वो हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ और सिर्फ उसको अपने समर्थक के रूप में देखते हैं। अब जो नेता दूसरे विपक्ष हो या जो सत्ता में बैठे लोग, इसमें TV पे बैठे लोग, उनको नजर आता होगा कि ये सांसद है फलानी पार्टी का, हम सिर्फ उसको अपने ही समर्थक के रूप में देखते हैं। वो भारतीय होने के नाते उनकी ड्यूटी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने देश की बेटियों के साथ अन्याय हो तो उनका साथ देना चाहिए। वो कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान से नहीं आए, इसी भारत के लोग हैं, और जिसका जमीर जिंदा है आज वो देश की बेटियों के साथ खड़ा है, और जिनके रगों में, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की थी, जिनके बाप दादा ने मुखबरी की थी अंग्रेजों की, आज उनकी औलाद आज सरकार की गुलामी कर रही है। उन्हीं लोगों का मुंह बंद है, जिन क्रांतिकारियों के औलाद है वो आज सब बेटियों के साथ खड़े हैं। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, अपनी कुर्बानियां दी थी, उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ टिके रहेंगे। जी, मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल ने आप पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए कि आप इस आंदोलन में थी, उस आंदोलन में थी, उसके बारे में आपका क्या? जहाँ जहाँ अन्याय होगा, जहाँ जहाँ संविधान का कोई अपमान करेगा, जहाँ कोई पीड़ित दिखेगी, उसके साथ मैं पहले भी खड़ी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूंगी। तो आगे आप चुनाव लड़ेंगी? आप आगे चुनाव लड़ने के मूड में हैं? चुनाव की तो बात ही नहीं है भाई, बेटियों का शोषण हो रहा है, बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे, आपको चुनाव पड़ा है, चुनाव की बात करनी है तो नेताओं के पास जाए, नेताओं के पास जाए। यहाँ बेटियों की जो माँ चाची ताई बैठी है ना, वो अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठी हुई है, अकेली बेटियों के लिए नहीं, हर मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। 21वीं सदी की नारी चुप बैठने वाली नहीं है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से फिर चेतावनी देती हूँ, जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार कर ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम आपके घर के बाहर भी आके बैठ जाएंगे। आंदोलन जीवी कहने का जो आरोप लगाया ना, जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ हम पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी रगों में मुखबिरों का, अंग्रेजों की गल में चाटने वालों का खून नहीं है, क्रांतिकारियों का खून है, जो हमेशा तब भी बोला था आज भी बोल रहा है। मीडिया संतुष्ट है आप? मीडिया से संतुष्ट? मीडिया अपना काम करता रहेगा, मीडिया की जो सोच है वो उनकी है, मीडिया अपना काम करे, हमें जो करना है हम अपना काम करें।